बस वही कोरोना नहीं तो यहाँ से मैं तो पक्का कोरोना लेके जाती हूँ. मेरा कोरोना पंजाबी है. आज डैडी बेटा घर पे ही इंजॉय करेंगे. मम्मा जा रही इंजॉय करने बाहर, बेटू रहेंगे डैडी के साथ, पूरा टाइम स्पेंड करेंगे डैडी के साथ. बाय कर दीजिए. होमवर्क अंदर रूम में, अंदर रूम में. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ आपकी दोस्त हनी. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह और मिनी की तरह और सन्नी की तरह. इनसे हेलो हाय बाद में कराऊंगे, अभी ड्राइव कर रहे हैं बिकॉज सन्नी और यहाँ के मतलब यू नो दिस इज यूपी और यहाँ पे ड्राइव करना मतलब इतना आसान नहीं होता है. तो ये अभी इनका टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट. तो ये दे रहे हैं अपना ड्राइविंग टेस्ट. और इनके डैडी को मैं छोड़ आई हूँ डीनो की रखवाली के लिए घर पे. तो वैसे तो मैं उसको ले आती बट कल जब हम लोग वापस आ रहे थे एयरपोर्ट से, इन दोनों को लेके जब हम लोग आ रहे थे, उसने रास्ते में वॉमिट किया था. तो उसकी तबीयत मैंने कहा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये धूप हो. और टाइम अभी वैसे यहाँ पे 5 बज रहे हैं पर अभी भी बाहर धूप है. तो मैंने कहा इसके चक्कर में अब मैंने कहा पेशेंट छोड़ो चाहे कुछ भी करो, लेकिन अब तुम्हें घर पे रहना पड़ेगा इसको देखने के लिए. क्योंकि मम्मी पापा हैं वो गांव चले गए हैं, वहाँ कुछ गांव में काम चल रहा है तो कोई था ही नहीं उसकी देखरेख के लिए, इसलिए उनके डैडी रुके हुए हैं. तो हम तीनों जा रहे, बहन भाई निकल पड़े शॉपिंग के लिए, शादी शॉपिंग. यू नो मिनी की शादी शॉपिंग है सन्नी. यस मिनी हेलो करो. हाय इन्हें देख लो गुंडी बनी बैठी. इन्हें धूप का इतना डर है, खौफ है कि मेरे तक से बोल रही है तू ये पहन ले हनी, तू जैकेट पहन ले. मैंने कि मरना है मुझे गर्मी में. कहती नहीं हाथ तेरे ऐसे हो जाएंगे वैसे ही टैन हो जाएंगे. नो नो स्ट्रेट. तो गाइस मैं इनको रास्ते बता दूं, सन्नी को पता नहीं है, फिर बात करूंगी आप लोगों से. रास्ते में दिखा तेरी बॉडी के हिसाब से तो यही सही है, 40 ही सही है तेरे को. हम लोग इस स्टोर से उस स्टोर, उससे इस स्टोर से ऐसे ही कर रहे हैं बहुत देर से, स्टोर टू स्टोर. अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो इसकी जो करता धरता होगी ये होगी, यही मेरे को एडमिट कराएगी, इलाज कराएगी मेरा. सही है, किधर जाना है हमको? यहाँ से आए थे यहाँ से जाना है. ये कलर भी सर नहीं अच्छा लग रहा है, सही में जबरदस्त लग रहा है. अब भाई वो तुम अपना देखो फिर. वाह कलर लुक जबरदस्त. इसके बटन काफी अच्छे दिख रहे हैं बहुत. गाइस फाइनली सन्नी का कोच वगैरह मिल गया है, मतलब यू नो, पर वो सरप्राइज रहेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पहले से हम लोग बता दें कि क्या लिया है, मतलब कौन सा कलर है, मतलब यू नो. कोई ऐसी खोली नहीं जाएगी यहाँ पे. तू भाई यहाँ नहीं चला पाएगा कार, तू बहुत रिस्क पे है सन्नी. यहाँ पे लोग आपस में भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, वो तो वही है कि मैं लड़ जाऊंगा तू टेंशन मत ले. लोकल हो ना? आई एम लोकल पर्सन या यू नो आई जस्ट कॉल दो चार और क्या, दो चार लोग कॉल और कर दूंगा. पापा के जो पुलिस वाले फ्रेंड्स वगैरह उनको कॉल कर दूंगा, लगवा दूंगा वाट. हानी तो ज्यादा नहीं बहस कर लिया. आगरा में ज्यादा पुलिस में होते क्या लोग? यहाँ पे पुलिस और डॉक्टर ही मिलेंगे. पुलिस हमारे पापा, डॉक्टर पतिदेव. हाँ स्ट्रेट स्ट्रेट. तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं राजा मंडी, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, थोड़ा बहुत मतलब देसी टाइप शॉपिंग रह गई हमारी. वैसे तो हो गई मेन तो जा रही है, फिर वही मिलती हूँ. पार्किंग वगैरह का मेरे को ही देखना है, इसको तो कुछ पता नहीं है. देखा जाए तो मुझे भी कुछ पता नहीं है, मैं हमेशा हस्बैंड के साथ आती हूँ, पर अब आज फाइनली अब अकेले हम निकले इनके साथ. अरे वो अंग्रेजों के टाइम का वो था ना, बाद में कॉलेज बन गए जब अंग्रेज चले गए तो उसे कॉलेज बना दिया फिर. तो अच्छी चलिए गए, चलते हैं फिर वही राजा बंडी में कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि भूख भी लग रही है. हम लोगों ने लंच नहीं किया था, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने 1 बजे किया था तो फिर भूख ही नहीं लगी, लस्सी वस्सी पी के निकल आई बस. तो अब हम लोग को लग रही बहुत ज्यादा प्यास, भूख सब कुछ, तो वहाँ कुछ खाएंगे भी. और सॉरी मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा हड़बड़ी बोल रही हूँ बिकॉज यू नो माइंड सही नहीं मेरा, मेरे को डर है कि इनके संग मतलब यू नो ठुक ठुका ना जाएंगे. क्योंकि ये आगरा ये नहीं जानता यहाँ का ट्रैफिक और यहाँ के लोग. यू नो कल एक बंदा साइकिल वाला ऑटो वाला मेरी कार में घुसा जाए, पर वो तो वो मेरे हस्बैंड है ना अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, वो तो यहाँ की लैंग्वेज भी जानते हैं और ताऊ वाओ करके उन्होंने तो अपनी मतलब यू नो ये नहीं कर पाएंगे वो काम. तो गाइस अब मेरे को जरा जाने दीजिए.
इतनी भीड़ भाड़ में कोई फोन लेके भाग ना जाए। दिस इज राजा मंडी। सोचो सब्जी मंडी लग रही है मेरे को तो। कितनी भीड़ है भैया। गाइस मैं इसको रख रही हूँ अंदर वरना सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती राजा मंडी में राजा बिकते। गाइस मैं रख रही हूँ, मेरा फोन कोई ले जाएगा मेरा नुकसान हो जाएगा। आप लोग का सिर्फ एक ब्लॉग का नुकसान होगा, सन्नी मेरा 20,000 का नुकसान हो जाएगा। की बहुत शाही हम लोग शॉप पे रुके हैं जूस पीने के लिए, मजबूरी है भी। बस वही कोरोना नहीं तो यहाँ से मैं तो पक्का कोरोना लेके जाती हूँ। मेरा कोरोना पंजाबी है। मेरा कोरोना पंजाबी है, हमारा कोरोना चंडीगढ़ से आता है। इतना जल्दी कैसे रेडी हो गई? पहले से बनी नहीं रखी थी क्या? सी कोल्ड कॉफी ट्राई, वी कैन टेक अ शॉट। सोचो स्नैप ले लो इसका एक। तो मेरा और सनी दोनों का गला खराब है लेकिन जोश पूरा है। मेरा कल से कुछ थोड़ा ठीक सा नहीं रह रहा डाइस, मतलब रात में से। हाउ इज इट? नाइस है, काम चला उसी है। गाइस इसे कहते हैं मज्जनी लाइफ, यू नो, संग में भाई बहन हो, पति बच्चन है। जूस पीवानू मज्जनी लाइफ। आप ये समझ लीजिए बैचलर फीला। जब पति देव ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे इसके अंदर कितना जहर है। My bachelor life with brother and sister. Husband का तो हाल खराब होगा घर पे, दीनों ने आधा पागल कर दिया होगा। क्या हो गया? मोली पीना, ठंडा एकदम जाएगा ना मन में, सर दर्द होने लग जाएगा। ये कलर नहीं है, रिवर अच्छा कलर इज नॉट, ये वाला ही है बट दिस इज नॉट नेवी ब्लू। वैसे अगर इस तरह का मिलेगा तो जम जाएगा, फंक्शन के पर्पज चल जाएगा ना। चलो अरे बस करो यार, ये क्या कर रही है आप यार? I'm a vlogger. इधर भी देख लेते। ये गई है शॉपिंग कर रही हैं, चप्पलों की शॉपिंग। कुछ जम नहीं रहा है यानी गर्मी लग रही है मुझको, जल्दी करो। गो देयर ओनली, यू गो आउट ओनली, डोंट स्टैंड हियर, गो। गाइस 7 बज रहे हैं, हम लोग घर से निकले थे 8 बजे। आठ बज रहे हैं, हम लोग 4:30 बजे घर से निकले हैं। मेरे हस्बैंड की आज हालत खराब होगी डीनो को रखने के बाद। हील से अपना बेटा तू ही रख, मैं पेशेंट देखने में ही ठीक हूँ। तो गए जब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, पहले हमें सन्नी का कोट वगैरह उठाना है, कोट पैंट वगैरह, और मेरा लहंगा वहंगा तो कल उठाएंगे। क्या हुआ? तो गए जब हम लोग जा रहे हैं, पेट में तो जगह भी नहीं है बिल्कुल, क्या खाएं? पर वही है ना, बाहर निकलो तो खाने का मन तो करता है बट वही अब पेट भरा हुआ है। गाइस यहाँ पे चाबी का लेन देन हो रहा है और
पानी वगैरह पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, काफ़ी शॉपिंग की है हम लोगों ने आज, वो आप लोगों को नज़र नहीं आएगी बिकॉज एवरीथिंग इज़ देयर इनसाइड दिस बैग। यस आधी तो हम पिक करेंगे, हाँ बड़ी बड़ी चीज़ें हमने पिक नहीं करी अभी तक। ये ले, ख़त्म हो गया पानी। गाइज मेरे पैरों की ऐसी मतलब हालत हुई, मेरे नहीं मतलब इनके भी पैर मतलब हालत बिगड़ गई है। दरअसल हम लोग को वैसे तो कोई जल्दी नहीं थी, पर मिनी की मीटिंग शुरू होने वाली है और मेरे हस्बैंड की मेरे को आज यू नो हालत भी देखनी कि वो भी कैसे हैं मतलब क्योंकि डीनो को रखना इतना भी आसान नहीं है, ये सिर्फ मैं कर पा रही हूँ पिछले 8.5 साल से, इतना भी आसान नहीं। वरना चलते हैं घर, देखते हैं भाई पतिदेव और बच्चा क्या कर रही है, तो फिर निकलते हैं, मिलते हैं घर पे। ये सुन डिनर का क्या है सन्नी? गाइस हम लोग दोबारा से निकल लिए, हस्बैंड जी अभी हमारे नहीं आए हैं, वो दरअसल हम लोग जैसे ही आए हैं वो तुरंत पेशेंट देखने चले गए हैं, तो अभी वो बोल रहे हैं मैं लेट हो जाऊंगा तुम लोग जाओ। हाँ वही अम्मा आई 8:30 बजे थी और लगभग हम लोग 2-4 मिनट बाद पहुंच गए, लेकिन वो लोग जा चुके थे तब तक, वो तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा बाहर कहीं भी, क्योंकि दोपहर में उनकी कोई पार्टी थी कहीं पे, तो उनका ज्यादा सिस्टम कुछ थोड़ा वीक सा है, तो वो जाते नहीं है बाहर ज्यादा खाने के लिए, तो उन्होंने कहा तुम लोग खा के आओ मैं नहीं जाऊंगा। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, लगभग 9:30 का टाइम हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं भगत। सन्नी बोलता है तेरे व्लॉग में भगत भगत बहुत सुना है, तो मैंने कहा चलो आज तुम्हें भगत ही ले जाते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं भगत फॉर डिनर। बेटू ने कहा मैं पिज्जा खाऊंगा, इन लोग का भी मेरे को पता नहीं, मिनी शायद मोमोज वगैरह की कह रही है, मेरे को तो पता नहीं मैं क्या खाऊंगा, इन लोगों का जो होगा उसी में से खा लेंगे थोड़ा बहुत। तो गाइस चलते हैं फिर, क्योंकि कल ये लोग दोनों निकल जाएंगे सुबह सुबह, आज ही का दिन है बस एंजॉय यू नो, उसके बाद तो फिर कानपुर में मिलेंगे हम लोग, तभी एंजॉयमेंट कुछ हो पाएगी। तो चलो तो फिर चलते हैं, खा लेते हैं कुछ खाना वगैरह। सन्नी कार पार्क कर रही हैं, एक साइड कार की हालत देखिए, इसका वाइपर कुछ ढीला हो गया है। सन्नी वाइपर ढीला होने से देखो एक तरफ कार साफ, एक तरफ इतनी गंदी। आ जा चलिए गाइस चलते हैं कुछ खा लेते, भूख लगी। अरे यहाँ दो पर्ची यहाँ पे, उन भैया को तो वो बना के देंगे। बेचारे फर्स्ट टाइम आए, कुछ जानते हैं नहीं कि यहाँ क्या करना है। चश्मा कहाँ है डीनो? बहुत एक्साइटेड है पिज्जा के नाम। यहाँ नहीं, ऐसा ही है, यहाँ पे बनता है जो वही लेके जाना पड़ता है। गाइस हमारा नाश्ता पानी आ चुका है, मतलब क्या हो गया तो गाइस अब तो खाने जा रही है, अभी मोमोज सन्नी जा रहे हैं अपने छोले भटूरे लेने के लिए। आप लोग मेरी शक्ल नहीं देख पा रहे होंगे, पर आप लोग मोमोज बिल्कुल देख पाएंगे, भी दिखाती हूँ। आप खा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नाइस। मैं तो मोमोज वैसे भी भगत के ही खाती हूँ, और कहीं के मेरे को अच्छे भी नहीं लगते। इनफैक्ट पता है कि यहाँ थोड़े हाइजीनिक तरीके से बनते हैं, बाकी जगह पता नहीं एकदम पता नहीं अनहाइजीनिक फील आता है बहुत ज्यादा। बेटू इट्स वेरी हॉट, आप मत टच करो, हल्का ठंडा हो जाएगा तब खाना। आप कर क्या रहे हो? क्या स्पाइसी बहुत है मेरी, लेकिन मजेदार है, स्पाइसी ना हो तो मजा भी नहीं आता। वो अभी रोल का कैसे मालूम? सन्नी पिज्जा का तो अभी देख लेने जाके 2 मिनट बाद। अंदर आ जा, स्प्रिंग रोल अंदर आ जा, रखने की जगह हाँ है जगह, अंदर आओ। नाइस, ट्राई दिस हॉट विद स्पाइस। मैं जाके या तो वो लेके आती हूँ स्प्रिंग रोल। हाँ मिनी तुम जाओ, एक बंदा तो जाओ कम से कम। हटो डीनो एक मिनट। कैसा लगा सन्नी? स्पाइसी है ना एकदम, बढ़िया। मैं इसलिए यहीं आती हूँ, मेरे को यहीं का खाना पसंद है और कहीं का अच्छा नहीं लगता। तूने व्लॉग में देखा भी होगा, मैं हमेशा भगत भगत ही करती रहती हूँ, यहीं का अच्छा लगता है मुझे। डीनो का पिज्जा बिल्कुल रेडी है। हाँ बेटे, टिश्यू पेपर क्या फैला दिया आपने यार? आप बेटू कभी तो कोई चीज ठीक किया करो। अब आप कुछ करो मत, खाओ अपना पिज्जा, चलो मैं लेके आऊंगी टिश्यू पेपर, खाओ चलो। सन्नी ऐसे गुचड़ पुचड़ में डिनर करके तुम्हें कैसा लग रहा है? हैं? वैसे कभी कभी अच्छा भी लगता है, आनंद की अनुभूति हो रही है। और तो पसीने आ रहे हैं तेरे को? गर्मी है ना, गर्मी बहुत है यहाँ। मिनी कैसा लग रहा है, स्पाइसी?
गाइस समझ नहीं आ रहा मुझे टेस्ट एक्चुअली। पागल ये उससे खा के देख स्पाइसी वाली से मजा आ जाएगा तेरे को। उसे संग नहीं क्या दिया हुआ है? सॉस है इसके साथ को। चटनी से सनी खा के देखो ये स्पाइसी वाली से। गाइस इस लड़के की तो डिमांड ही नहीं खत्म होती, कभी आइसक्रीम चाहिए कभी डोनट चाहिए। आप ही नहीं बोल रहा आप आइसक्रीम। हाँ तो ठीक है, हर वक्त नहीं मैं प्रोमिस निभा सकती हूँ, लेकिन क्या करें निभाना पड़ रहा है। गाइस उन्होंने डिनर वगैरह कर लिया है और यहाँ के मोमोज खिला दिए इनको, क्योंकि ये मेरे भगत का मजाक उड़ा रहे थे। बोलते बड़ा भगत भगत करती है, बता अच्छा नहीं था खाना भगत का? इट वॉज गुड बोल रहा है। मिनी कैसा था भगत का खाना? मिनी अच्छे लगे मोमोज तो मुझे। तूने तो पहले भी खाया भगत से, बट वो वाले गंदे थे, वो कंटेनर जैसे पैक कर दिया था ना वो सॉगी से हो गए थे। वो पैक करने की वजह से, इट वाज ओपन नॉट टुडे, अच्छी थी ना तो खुला हुआ था तो अच्छा था। और चटनी भी स्पाइसी थी, मजेदार। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घर, मिलते हैं आपसे घर पर।